अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक डिफरेंट व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हम लोग गए हैं बलद। बलद में बहुत सारे काम करने थे। एक्चुअली रुहाब की बर्थडे आ रही है तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो हो रही है, तो बलद से कुछ चीज़ें लेनी थी और जो है कुछ गिफ्ट्स उसके मैंने ऑर्डर किए हुए थे और कुछ मुझे बाय करने थे, तो वो भी आप लोगों को मैं साथ शेयर करूँगी। तो बलद में यहाँ नीचे जो है वो सभी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, उसमें बेडशीटें भी होती हैं, ब्लैंकेट्स भी होते हैं और बच्चों के टॉयज भी होते हैं और वायलेट्स और ज्यूडली स्कार्फ अबाया बहुत कुछ होता है, मतलब हर चीज़ होती है, हर चीज़, शूज़ पर्स वगैरह सब कुछ होता है। तो ये छोटे छोटे स्टॉल थे, मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों को दिखाएं। एक्चुअली यहाँ पर बलद में कुछ काम था। एक तो हमें जो है वो राशिद ने जो है वो अपनी कुछ उनकी पैंट्स थी तो वो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, वो उनको कट कराना था, छोटा कराना था। तो यहाँ पर हम लोग जो एक मॉल है उसमें जो है सारे टेलर्स बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ हम लोग उनकी पैंट देने आए थे। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो है रिस्ट वॉच उसका भी बैटरी डलवानी थी तो वो भी हमने करवाया। उसके बाद फिर एक मार्केट है वहाँ पर जो है कम्प्लीटली जो है सारा का सारा सामान मिलता है बर्थडे डेकोरेशन का, और तो फिर वो मार्केट भी आपको मैं विज़िट कराऊँगी। तो यहाँ पर बायास वगैरह भी हैं, ज्वेलरी भी है, पर्स भी हैं, बच्चों के टॉयज़ भी हैं। तो ये एक मॉल है, सॉरी इस मॉल का नाम तो खैर मुझे नहीं आता। तो यहाँ पर फार्मेसी वगैरह भी है और ये टेलर है। तो इधर टेलर पर जो है वो उन्होंने पेंटें दी थी, कट कराना था। तो इधर से होके तो फिर हम लोग चले गए थे उनकी जो है वो रिस्ट वॉच वो रिपेयर करने के लिए दी। तो मैंने कहा चले आप लोगों को बलद भी इंजॉय कराएं, क्योंकि बलद में जब भी जाती हूँ ना तो मैं वहाँ से गोल्ड मार्केट को कैप्चर करती हूँ। तो इस बार मैंने कहा कि मैंने गोल्ड मार्केट को कैप्चर नहीं करना, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाती हूँ, बलद भी दिखाती हूँ। बलद एक्चुअली बलद जो है ना ये इस तरह से, जैसे हमारे मुल्तान में और लाहौर में जो है मार्केट्स है ना, अनारकली हो गई, हुसैना गई होगी, इचरा बाज़ार हो गया, तो ये इस तरीके का जो है मार्केट होती है। अंदर अंदर दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, गलियाँ होती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो घड़ी देने के लिए आए थे, क्योंकि उसकी उनकी उन्होंने जो है अपनी रिस्ट वॉच की ना बैटरी डलवानी थी। ये देखिए मार्केट, ये आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पर जो है वो मार्केट है। यहाँ पर सारी डेकोरेशन, मतलब पार्टी डेकोरेशन, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इवन के वेडिंग के लिए, या वैसे अगर आप अपने रूम्स को मेकओवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन मिलती जो है वो बल्क में है कि मतलब थोक के हिसाब से, तो वैसे अगर आप थोड़ी भी लेना चाहें तो उसमें एक दो दुकानें ऐसी शॉप्स खुद हैं जो आपको कम क्वांटिटी में एक मिले, आप दो लें तो मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मोस्टली ये शॉप्स जो है वो यहाँ पर आपको बल्क में सामान मिलता है कि मतलब आपने दर्जन लेना है, दो दर्जन लेना है, तीन दर्जन, जितने भी मतलब लेना है तो वो उस हिसाब से आपको सारा कुछ मिलता है। तो यहाँ पर हम आए थे मार्केट में, या एक जो है वो शॉप है उसमें ना रेमियन खां के हैं, हमारे पाकिस्तानी रेमियन खां के, रेमियन फ्रॉम ये वाली शॉप, इसमें जो है जो उनके सेल्स मैन है ना वो रेमियन खां के हैं। तो उनसे बड़ी अच्छी जो है एक राशिद की सलाम दुआ है दुआ, तो यहाँ से हम लोग जो है जब भी आते हैं ना बर्थडे का सामान लेने के लिए तो यहाँ से लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो हमें मिल गई थी यहाँ से, और कुछ चीज़ें जो है फिर वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, हमें वो डेकोरेशन का सामान नहीं मिला था। तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी कि क्या लिया था हमने आपकी बर्थडे की डेकोरेशन के लिए। कुछ गिफ्ट्स भी हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रुहाब की और राशिद की डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम है, 4 फरवरी, तो बस 2 डेज़ के बाद जो है वो इनकी बर्थडे है, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है। तो ये देखें जनाब, ये लेफ़्ट साइड पर जो है वो सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं जो कि मैंने पैक करने हैं, और ये सारी डेकोरेशन का सामान, बैलून्स और पता नहीं क्या क्या है तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गिफ्ट्स भी अभी पैक करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह हमने जो है वो सारी डेकोरेशन टाइम टू टाइम जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं गिफ्ट्स पैक कर रही थी, तो ये ब्लू कलर क्यों चूज़ किया ये भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये सर जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आई होप कि वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि ये 3-4 दिन जौन से हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट जो है वो सारे ब्लॉग शेयर करूँगी, आपकी बर्थडे शेयर करूँगी, और आप लोगों ने कहीं भी जाना है वीडियो का वेट कीजिएगा एंड स्टे विद मी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गिफ्ट्स यहाँ पर पैक हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा कलर है गिफ्ट्स पैक का। तो मुझे दें इजाज़त, आप लोग दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।